नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या हश्र है शराबबंदी का ये बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने समाज में चारों ओर इस बात को देख रहे होंगे। हालांकि बता दें कि विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर हमलावर हैं और शराबबंदी को फिलियर बता रही है। सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं, एनडीए के अंदर ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, मुकेश सहनी हो, बीजेपी भी लगातार हमला कर रही थी नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर। लेकिन तब से वो शांत है जब से उसके ही मंत्री रामसूरत राय पर आरोप लगा कि उनके विद्यालय में शराब की बरामदगी हुई थी। हालांकि रामसूरत राय ने बाकायदा इससे इनकार किया, लेकिन जब ये मामला तुल पकड़ा है तो अब उनके भाई की गिरफ्तारी होने वाली है। बाकायदा प्रशासन ने वारंट कोर्ट में जो है वहां से लेने की देरी है, फिर उनके भाई जो है जल्दी जेल में होंगे। खैर, जब विपक्षी पार्टियां या कोई पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाती है तो नीतीश कुमार या जेडीयू कह सकती है कि ये उनका एजेंडा है। लेकिन जब हाईकोर्ट ये बात कहे कि शराबबंदी को लेकर ऐसा लगता है कि प्रशासन यानी पुलिस और शराब जो माफिया है उनके बीच में सांठ गांठ है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। पटना हाईकोर्ट में बाकायदा जज ने इस बात को कहा कि ऐसा लगता है, जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और शराब माफिया की सांठगांठ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको बताते हैं कि 2019 में कांटी पुलिस ने जितेंद्र नाम के शराब व्यवसायी को गिरफ्तार किया था। बाकायदा उसके बाद जो है ये केस चल रहा था। जितेंद्र के वकील ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में जमानत याचिका दायर करी। उसके बाद जब वहां से उसे इनकार कर दिया गया, जमानत नहीं दिया गया, तब उसे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली थी। फिर इसकी सुनवाई 23 जो है फरवरी को हुई। बाकायदा सुनवाई के दौरान जितेंद्र के वकील ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हम उसे वापस लेना चाहते हैं। तो जज ने सवाल पूछा, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल गया है। और वो जमानत कैसे मिला है? जज ने नहीं दिया है, बल्कि जमानत इसलिए मिल गया क्योंकि जो आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने बाकायदा चार्जशीट समय पर दायर नहीं किया, जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, जिसकी वजह से जितेंद्र कहीं ना कहीं उसे जमानत मिल गया। इसको देखते हुए हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करी है और एसएसपी को 8 अप्रैल को तलब किया है कि आप यहां आइए और कारण बताइए कि इस तरीके से किस तरह शराब माफिया को जमानत मिल जाता है, इसलिए क्योंकि आपके ऑफिसर्स जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। क्या कहा जाए इसे? क्या जो ये 7,000-8,000 की पैरेलल इकोनॉमी है, क्या इसमें प्रशासन भी शामिल है? क्या सफेदपोश नेता भी शामिल है? और जी 8,000-10,000 करोड़ का जो ये ब्लैक इकोनॉमी है, इससे वो लगातार मजबूत हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा खेल है, आपको यकीन मानना पड़ेगा। जब प्रशासन अगर चुस्त हो, सावधान हो, तो कैसे संभव है कि बिहार में इतनी बड़ी मात्रा में शराब की खेप आ जाए और फिर आप जब अंदर शराब आ जाता है फिर आप कहते हैं कि हम थाना खुलवा देंगे, स्कूल खुलवा देंगे? ये सब बातें हैं, लेकिन ये अब स्पष्ट हो रहा है कि हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करी है और इस फैसले को लेकर नीतीश कुमार अब बैकफुट पर हैं। क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगाती हैं तब आप कहते हैं ये उनका एजेंडा है, लेकिन अब क्या कहेंगे आप जब हाईकोर्ट ने बकायदा तर्क के साथ, प्रमाण के साथ ये कह दिया कि ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन और शराब माफिया के बीच में साठ गांठ है, एसएसपी को तलब किया गया 8 अप्रैल को। क्या कुछ होगा इस हाईकोर्ट के फैसले में, क्या कुछ हाईकोर्ट कहती है, फिर हम इस खबर का फॉलोअप आपको देंगे। जो भी जरूरी अपडेट होंगे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहें भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।